हैं किसके साथ, किडनी ट्रांसप्लांट के साथ। लोग एक सिंपल तरीका ढूंढते हैं जिससे आपकी किडनी खराब भी हो गई तो भी आपके जीवन में जिंदा रहने की इच्छा है, तो ब्लड को तो क्या करना पड़ेगा, प्योरिफाई करना पड़ेगा, ब्लड को तो क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो देन यू गो फॉर हीमो, मतलब ब्लड डायलिसिस। ठीक है, सो व्हाट इज हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस इज अ प्रोसेस वेयर इन आप ब्लड में से क्या करते हो, सारे बेकाम की चीजें निकालते हो, यानी कि यूरिया, एक्सेसिव ग्लूकोज, एक्सेसिव अमीनो एसिड, एवरीथिंग यू टेक दैट आउट फ्रॉम द ब्लड, और उसमें जितनी काम काम की चीजें होती है वो ब्लड में डालते हो। और इस प्रोसेस से क्या हो सकता है, यू कैन सर्वाइव फॉर इयर्स एंड इयर्स विद द हेल्प ऑफ हीमोडायलिसिस एंड यू कैन स्टे सेफ। डायलिसिस डिपेंड करता है कि आप कितने, देखो एक होता है कि आपकी किडनी किस एक्सटेंट तक खराब है, आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी में कितना टॉक्सिक वेस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी से जनरेट हो रहा है। जनरल नोट पे बोले तो डायलिसिस लोग हफ्ते में भी एक बार करवाते हैं, फॉर 3 to 4 hours का प्रोसेस रहता है। कुछ लोग 15 दिन में भी करवाते हैं, दैट एंड्स फॉर 6 to 8 hours। कुछ लोग महीने महीने भी करवाते हैं, 12-13 घंटे इकट्ठा करवा के वो अपने ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करवा के फिर तैयार हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। आर ये बात समझ में? नाउ व्हाट हैपेंस इज डायलिसिस का प्रोसेस क्या रहता है। देख, हम लोग जब डायलिसिस करते हैं तो तुम लोग को एक डायलिसिंग मशीन दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ एक बंदे का हाथ दिख रहा होगा, बंदे से मतलब नहीं हमको, उसके सिर्फ हाथ से मतलब। क्यों? क्योंकि बंदे के हार्ट की आर्टरी से हम लोग क्या करेंगे, ब्लड निकालेंगे, और बंदे की हाथ की ही वेन में क्या कर देंगे, ये ब्लड डाल देंगे। अब तुमको फिगर में कुछ ब्लू तरह के कलर के ट्यूब दिख रहे हैं, वो ब्लू कलर के ट्यूब होते हैं सेलुलोज के ट्यूब्स। किसके ट्यूब्स होते हैं? इन सेलुलोज ट्यूब्स में कौन फ्लो करता है, रेड कलर का ब्लड। इन सेलुलोज के ट्यूब में कौन फ्लो करता है, रेड कलर का ब्लड। और उसके बाहर तुमको एक ऑरेंज कलर का सोल्यूशन दिख रहा होगा, इस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं डायलिसिंग सोल्यूशन। क्या कहते हैं? नाउ व्हाट डज अ डायलिसिंग सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ आइडियल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एक आइडियल ब्लड में, एक परफेक्ट ब्लड में जो जो चीज जितने जितने अमाउंट में होनी चाहिए वो उतने अमाउंट में क्या होगी, डायलिसिंग सोल्यूशन में होनी चाहिए। यानी कि एक आइडियल ब्लड में इतना वाटर होना चाहिए, इतना ग्लूकोज होना चाहिए, इतने प्रोटीन्स होने चाहिए, इतने अमीनो एसिड होने चाहिए, इतने मिनरल्स होने चाहिए, ये सब कहाँ रहेगा, डायलिसिंग सोल्यूशन में। ध्यान से कंसेप्ट समझना। अब ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, सेल्युलोज के ट्यूब में। ये जो सेल्युलोज के ट्यूब रहते हैं ये सेमी परमीएबल रहते हैं। कैसे रहते हैं? मतलब इनके आर पार चीजें आ भी सकती है, इनके आर पार चीजें जा भी सकती है। सुनो, ब्लड में जो सेल्युलोज ट्यूब फ्लो कर रहा है उसमें यूरिया ज्यादा होगा, लेकिन मेरे डायलिसिंग सॉल्यूशन में यूरिया होगा क्या? नहीं, क्योंकि आइडियल ब्लड में यूरिया होना चाहिए क्या? नहीं। तो क्योंकि सेलुलोज ट्यूब्स में क्या होगा, यूरिया होगा, लेकिन डायलिसिंग सॉल्यूशन में यूरिया नहीं होगा। तो सेलुलोज ट्यूब से यूरिया कहाँ चला जाएगा, डायलिसिंग सॉल्यूशन में। जहां वो ज्यादा है वहां से वो कहाँ चला जाएगा, जहां वो कम है। मानो ब्लड में ब्लड शुगर कम है जितनी रिक्वायर्ड है, तो डायलिसिंग सॉल्यूशन से वो कहाँ चले जाएगी, ब्लड में। मानो हमारा जो एग्जिस्टिंग ब्लड है सिर्फ पानी कम है, तो डायलिसिंग सॉल्यूशन से कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में। मानो कुछ मिनरल्स एक्स्ट्रा है हमारे ब्लड में, तो ब्लड से कहाँ चले जाएंगे। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस फॉलो कर रहा है क्या? हाँ, इट इज फॉलोइंग अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वेरिन डायलिसिंग सॉल्यूशन आइडियल इतना इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो डायलिसिंग सॉल्यूशन ले लेगा अपने पास, और उससे कम है तो डायलिसिंग सॉल्यूशन दे देगा। तो ब्लड थ्रू सेलुलोज ट्यूब जब घूमेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनता जाएगा, आइडियल ब्लड जैसा बनता जाएगा। और इस आइडियल ब्लड को हम लोग वापस कहाँ भेज देंगे, वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में। इज दैट क्लियर? डायलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। किस काम आता है, रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। सेलुलोज ट्यूब्स यूज होते हैं क्यों, बिकॉज ये सेमी परमेबल होते हैं और ये डायलिसिंग सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं। देखा हमने लटके हुए थे अंदर, ठीक है ना। डायलिसिंग फ्लूइड क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ब्लड जैसे होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट बिल्कुल नहीं होते, और इसके अंदर जो कंपोजिशन रहता है वो आइडियल ब्लड का रहता है।
ठीक है, अ पेशेंट ब्लड इज पास टू सेल्यूलर ट्यूब्स वेयर वेस्ट प्रोडक्ट आर मूव्ड टू द डायलेसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. तो वेस्ट प्रोडक्ट कहां से कहां चले जाएंगे? सेल्यूलोज ट्यूब से डायलेसिंग सॉल्यूशन में. यूजफुल मटेरियल फ्रॉम डायलेसिंग सॉल्यूशन मूव्स इनटू द ब्लड. फ्लोराइड प्योरिफाइड ब्लड इज पंप बैक टू द हार्ट. आई बात समझ में? सो विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर.